टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक कंटिन्यू टॉपिक ऑफ कल्चर यूनिट थर्ड कल्चर एंड सोशलाइजेशन। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट द कल्चर। कल्चर इज डिफाइंड एज द बिलीफ वैल्यूज बिहेवियरल एंड मटीरियल ऑब्जेक्ट शेयर्ड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप हैव इन कॉमन। कल्चर क्या है? एक बिलीफ है, वैल्यूज है, बिहेवियरल और मटीरियल ऑब्जेक्ट है जो शेयर किया जाता है पर्टिकुलर ग्रुप हैव इन अ कॉमन वे। देन आर कल्चर इज रिफ्लेक्टेड इन व्हाट वी वेयर टू वर्क। जो हमारा कल्चर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि हम क्या पहन रहे हैं, व्हेन एंड व्हाट वी ईट, कब और क्या खा रहे हैं, हाउ वी स्पेंड आर टाइम, किस तरीके से हम हमारा समय व्यतीत कर रहे हैं। आर कल्चर अफेक्टेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आर लाइफ। जो हमारा कल्चर है वो इफेक्ट डालता है अपने हमारे लाइफ पर। द नेक्स्ट हेडिंग इज सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस विच शेप एंड डिफाइन आर थ्रू फीलिंग एंड एक्शन एंड ऑल्सो प्रोवाइड इज विथ मॉडल ऑफ आर बिहेवियर। एज चिल्ड्रन बिकेम सोशलाइज्ड दे लर्न हाउ टू फिट इन टू एंड टू फंक्शन एज प्रोडक्टिव मेम्बर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो सोशलाइजेशन है, जो सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन का मतलब है सामाजिकरण, इन विच वी हैव टू डू एक्टिविटी विथ टूगेदर पीपल्स, मतलब लोगों के साथ मिलकर जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसको सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जो क्या करता है कि डिफाइन करता है फीलिंग और एक्शंस को थ्रू, जो भी हम डिफाइन आर थ्रू फीलिंग और एक्शन, मतलब जो भी हम फीलिंग्स और एक्शन कर रहे हैं उसको डिफाइन कर रहा है सोशलाइजेशन। एंड प्रोवाइड द मॉडल ऑफ आर बिहेवियर, मतलब हमारे बिहेवियर को एक मॉडल के रूप में प्रेजेंट कर रहा है। एज ए चिल्ड्रन बिकेम सोशलाइज, जिससे हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो सोशलाइज्ड हो सके। देन सोशलाइज दे लर्न हाउ टू फिट इन टू एंड फंक्शन एज ए प्रोवाइड प्रोडक्टिव मेम्बर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जिस तरीके से हम सोशलाइज्ड होंगे उसी तरीके से बच्चे हमसे सीखेंगे कि हमें सोसाइटी में किस तरीके से वर्क करना है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन टीचर्स ह्यूमन बीइंग द कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स विच प्रोवाइडेड द गाइडलाइन फॉर। हम हमारे आने वाली जनरेशन को टीच करते हैं कि हमारे क्या कल्चर हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या नॉर्म्स हैं, और वो हमें क्या गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं हमारे दैनिक दिनचर्या में, आर एवरीडे लाइफ में। देन व्हेन एन इंडिविजुअल इज बोर्न, मतलब हम जब पैदा होते हैं तो हमें ही इज हेल्पलेस एंड डिपेंड अपॉन अदर टू फुलफिल, मतलब वो जब कोई व्यक्ति या कोई पर्सन बोर्न हुआ है, मतलब उसने जन्म लिया है, तो वो हेल्पलेस है, उसको कुछ भी नहीं करना आता है, वो डिपेंडेड है अदर पर कि उसकी फुलफिलमेंट को फुलफिल किया जा सके, उसकी रिक्वायरमेंट्स को। द मोस्ट बेसिस फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो भी उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स है उसको वो फुलफिल कर सके। एज अ इंडिविजुअल ग्रो ही एक्सपीरियंस टू एन आउटगोइंग प्रोसेस ऑफ सोशल। जैसे जैसे वो ग्रो करता है इंडिविजुअली तो वो एक्सपीरियंस करता है और प्रोसेस आउटगोइंग प्रोसेस ऑफ सोशल इंट्रैक्शन, मतलब जो सोशल इंट्रैक्शन होता है उसके थ्रू वो उसको गेन करता है, एक्सपीरियंस करता है कि हाँ किस तरीके से हमें सोसाइटी में रहना है। विच एन एनेबल एन इंडिविजुअल टू डेवलप स्किल एंड ऑल्सो नीड टू पार्टिसिपेट इन ह्यूमन सोसाइटी। धीरे धीरे इंडिविजुअली उसको कैसे अपने स्किल्स को डेवलप करने हैं एंड ऑल्सो नीड टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, मतलब उसको किस तरीके से सोसाइटी में पार्टिसिपेट करना है। देन दिस ऑन गोइंग प्रोसेस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन, मतलब जिस तरीके से वो सीख रहा है कि उसे सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से वर्क करना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये सारे प्रोसेस को सोशलाइजेशन कहते हैं। देन दिस प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन सोसाइटी, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। देन कंप्लीट बिकॉज इट मीन्स टीचिंग कल्चर
कल्चरल टू द न्यू जनरेशन। अगर पर्सन खुद ही नहीं सीखेगा तो आने वाली जनरेशन को क्या देगा, क्या अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी और वो किस तरीके से आने वाली जनरेशन को समझाएगा। द नेक्स्ट सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी पर्सन्स हैं वो मिलकर एक्टिविटी करते हैं। किसके अंदर? ह्यूमन सोसाइटी के अंदर। ह्यूमन सोसाइटी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फ्रॉम द जनरेशन टू ईच अनदर जनरेशन वो जो भी कल्चर को सीखेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इट मीन्स ह्यूमन इन्फेंट आर बोर्न, जो ह्यूमन है वो इन्फेंट के रूप में बोर्न हुआ है विदाउट एनी कल्चर, उसको कोई भी कल्चर का नॉलेज नहीं है। दे मस्ट ही ट्रांसफर्ड बाय द सोशलाइजेशन। वो किस तरीके से सीखेगा? सोशलाइजेशन के थ्रू सीखेगा, सच एज फैमिली, फैमिली मेम्बर्स के थ्रू सीखेगा, स्कूल में टीचर्स के थ्रू सीखेगा, पीयर्स फ्रेंड्स के थ्रू सीखेगा और मास मीडिया के थ्रू सीखेगा इनटू कल्चरली एंड सोशली अडॉप्ट ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, न्यूज़पेपर, फ्रेंड्स, टीचर्स, पेरेंट्स, ये सब मिलकर पर्सन को सिखाएंगे कि उसको किस तरीके से सोशल बनना है और सोशल एक्टिविटी करनी है सबके साथ मिलकर, कल्चरली एंड सोशली अडॉप्ट ह्यूमन बीइंग। द नेक्स्ट, द जनरल प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग कल्चर इज रेफर्ड एज सोशलाइजेशन। ये एक जनरल प्रोसेस है जो एक्सेप्ट करना होता है, जो भी हमारे कल्चर ने हमें रेफर्ड किया है थ्रू सोशलाइजेशन। देन द सोशलाइजेशन लैंग्वेज ऑफ कल्चर इज लर्न। सोशलाइजेशन के अंदर हम हमारे कल्चर की लैंग्वेज को सीखते हैं। देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट ऑक्यूपेशनल रूल्स। उसके साथ साथ में हम ऑक्यूपेशनल रूल्स को भी और रोल्स को भी सीखते हैं साथ में सोसाइटी में। ठीक है, सोसाइटी हैज़ इंटरेक्ट फॉर देम। जो सोसाइटी है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं सोशल बनने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग सोशलाइजेशन वी लर्न द कल्चर नॉर्म। सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम कल्चर नॉर्म्स को सीखते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। क्यों जरूरी है? ताकि पर्सनैलिटी फॉर्मेशन हो सके, मतलब पर्सन की पर्सनैलिटी बन सके। मच ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी द सोशलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ आर जीन। और जो भी ह्यूमन्स की पर्सनैलिटी है सोशलाइजेशन के अंदर वो किसके थ्रू आई है? रिजल्ट है आर जीन का, मतलब हमारे जो भी जीन्स हैं उसका रिजल्ट है कि हम किस तरीके की पर्सनैलिटी बन रहे हैं सोसाइटी के अंदर। देन द नेक्स्ट पॉइंट, द सोशलाइजेशन प्रोसेस कैन वुड इफ इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एनकरेजिंग स्पेसिफिक बिलीफ एंड एटीट्यूड। जो सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चलता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंकरेज करता है पर्सन को और जो भी कल्चर के बिलीव्स है, एटीट्यूड्स है, उसको मानने के लिए एनकरेज करता है सोशलाइजेशन। द नेक्स्ट, एज वेल एज सेलेक्टिव प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस। जैसे जैसे पर्सन सोशल होता जाता है उसको एक्सपीरियंस मिलता है कि सोसाइटी में किस तरीके से वर्क करना है। देन सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी लर्न द फंडामेंटल ऑफ आर कल्चर। सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या सीखते हैं कि जो हमारे कल्चर के फंडामेंटल रूल्स हैं उसको हम सीखते हैं कि सोसाइटी में किस तरीके से पर्सन एक दूसरे के साथ डील करते हैं। देन नेक्स्ट, द पर्सनैलिटी ऑल्सो डेवलप वन वी लर्न द एप्रोप्रिएट रोल्स एंड परफॉर्म इन द सोसाइटी। जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो रही है किसके थ्रू? कि हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन सीख रहे हैं वो हमें हमारी सोसाइटी के अंदर हमारी पर्सनैलिटी को परफॉर्म कर रही है। देन नेक्स्ट, सक्सेसफुल सोसाइटी कैन रिजल्ट इन अनफिमिटी विद इन अ सोसाइटी। जो सक्सेसफुल सोशलाइजेशन है वो उसका क्या रिजल्ट आता है? इनफिमिटी विथ इन अ सोसाइटी। जो पर्सन है वो इनफॉर्मेट होगा विथ द सोसाइटी। ठीक है, इफ ऑल चिल्ड्रंस रिसीव सोशलाइजेशन, अगर सभी चिल्ड्रंस सोशलाइजेशन रिसीव करते हैं तो क्या होता है? इट इज़ लाइकली दैट दे विल शेयर द सेम बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अगर पर चिल्ड्रन उसको सभी चिल्ड्रंस को सोशलाइजेशन मिलता है तो उससे वो क्या सीखते हैं कि वो अपने कल्चर के बारे में सीखेंगे। देन फिर क्या होगा कि जो उन्होंने गेन किया है वो जो उनका बिलीफ है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसको वो
परफेक्टली रोल करेंगे, रोल प्ले करेंगे और आने वाली जनरेशन को भी सिखाएंगे कि ये हमारे कल्चर में होता है और हमें इसको फॉलो करना है। इजीली सोशलाइजेशन इन डिफरेंट फैमिलीज आफ्टर वेरियस इन टीचिंग गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। जो सोशलाइजेशन है डिफरेंट फैमिली में डिफरेंट टाइप का होता है और कुछ फैमिलीज में सेम होता है, जो टीच करता है गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है। देन कल्चर प्रैक्टिस इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिस है वो किस तरीके से हेल्थ को इफेक्ट कर रही है। फर्स्ट, हेल्थ बिलीव्स एंड प्रैक्टिस आर पार्ट ऑफ एवरी कल्चर। जो भी हेल्थ के रिलेटेड बिलीव्स हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं वो एवरी कल्चर में देखने को मिलता है एज अ पार्ट ऑफ एवरी कल्चर। द मोस्ट एनिशियंट एंड सम मॉडर्न पीपल्स बिलीव दैट डिजीज इज ड्यू टू वेल्थ ऑफ सम सुपरनेचुरल पावर। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो वेल्थ है वो सुपरनेचुरल पावर के थ्रू हमें मिली है। देन इवन टूडे इट इज़ बिलीव दैट वेनरल डिजीज एंड लेप्रेसी आर पनिशमेंट फ्रॉम गोल। मतलब जो वेनरल डिजीज और लेप्रेसी डिजीज है वो हमको एक पनिशमेंट के थ्रू मिली है। नेक्स्ट, साइंटिफिक मेडिसिन कॉन्फ्लिक्ट विथ फॉक मेडिसिन एंड इट्स सब सेंटर्स। जो साइंटिफिक मेडिसिन है वो कॉन्फ्लिक्ट फैला रहा है कि नहीं इस तरीके से नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है, साइंटिफिक हेल्थ वर्कर ऑफन फॉल्स फेल बिकॉज जो साइंटिफिक मतलब साइंटिफिकली रीज़न है कि लेप्रेसी और जो विनरल डिजीज है वो किसी बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है, पर पर्सन्स क्या मान रहे हैं कि नहीं ये कोई श्राप है जो हमें पनिशमेंट के थ्रू, हमें गॉड के थ्रू पनिशमेंट के रूप में हमें मिल रहा है, पर ऐसा नहीं है। जो साइंटिफिक रीज़न है वो क्या है कि लेप्रेसी और विनरल डिजीज तो एक इन्फेक्टेड और बैक्टीरियल डिजीज है, बट ये लोग पीपल्स नहीं मानते। द नेक्स्ट, साइंटिफिक हेल्थ वर्कर ऑफन फेल, क्योंकि जो साइंटिफिक हेल्थ वर्कर्स हैं वो हमेशा फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीपल्स हैं वो ये मानती हैं कि जो हमें डिजीज़ मिली है वो गॉड के थ्रू मिली है और वो हमारा पनिशमेंट है, इसलिए वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते और ये डिजीज़ चलती रहती है कंटिन्यूसली। डीलिंग विथ सब सेंटर द मस्ट बी सिंपैथेटिकली अंडरस्टूड। मतलब वो पर्सन सिंपैथेटिकली इसको मानने के लिए एबल नहीं है, उनको रियलाइज नहीं है कि ये डिजीज़ किसके थ्रू हो रही है, बस उनको यही मानना है कि ये एक हमें पनिशमेंट के थ्रू मिली है। द नेक्स्ट, फिजिशियन मस्ट अंडरस्टूड द सब सेंटर। जो फिजिशियन है मस्ट भी अंडरस्टूड कर रहा है सब सेंटर विथ विच दे आर डीलिंग। जो पर्सन को डील कर रहा है वो पेशेंट की जो भी थिंकिंग है उसको सोच समझ रहा है और उसके उसको जो फीलिंग्स है उसका जो थिंकिंग है उसमें चेंजेस लाने के लिए दे इफ दे आर चेंज द एटीट्यूड ऑफ पेशेंट्स टूवर्ड हॉस्पिटल सर्विसेज। अगर जो फिजिशियंस है पेशेंट को समझकर उसको ट्रीट करता है तो जो पेशेंट का एटीट्यूड है कि भाई नहीं ये तो पनिशमेंट है, ये तो डॉक्टर की दवाई से ठीक नहीं होगा, तो उसका जो थिंकिंग है उसको चेंज कर फिजिशियंस हॉस्पिटल सर्विसेज के तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं पीपल्स को, ताकि लेप्रेसी और विनरल डिजीज या अदर कोई डिजीज है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो सके। देन नेक्स्ट, कल्चरल प्रैक्टिस विच हैव बेनिफिशियल हेल्थ इफेक्ट। जो कल्चर प्रैक्टिस है वो कौन कौन सी है जो हेल्थ के लिए बेनिफिटेड है। फर्स्ट, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बाथिंग, मतलब जल्दी उठकर जल्दी नहाना। ड्रिंकिंग तुलसी वाटर एवरी मॉर्निंग, मतलब जो तुलसी का पानी होता है उसको अर्ली मॉर्निंग पीना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर स्टोर्ड इन एंड अर्थनवेयर पोर्ट, अर्थनवेयर पोर्ट के अंदर पानी को स्टोर करके उसको पीना चाहिए। मतलब जो तांबे का लोटा या तांबे का जो जग होता है उसके अंदर पानी को भरकर पीना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मतलब जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। पीरियोडिक फास्टिंग फॉर क्लीनिंग द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब पीरियोडिकली आपको फास्ट करना है ताकि जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो क्लीन रह सके। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस द इंडिविजुअल अपील्स टू गॉड टू गेट मॉरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम में आप गॉड को याद करो ताकि आपको मॉरल सपोर्ट मिल सके और प्रोटेक्शन मिल सके। द नेक्स्ट, सर्कमसेशन ऑफ मुस्लिम मेल चाइल्ड रिड्यूसेस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सर्वाइकल कैंसर इन मुस्लिम वुमन। जो सर्कमसेशन होता है, एक प्रोसीजर होता है मुस्लिम फैमिली के अंदर, किस लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि जो मेल चाइल्ड है उसके अंदर रिड्यूस कर सके, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम होने के चांसेस होते हैं अगर वो, उनकी मान्यता है कि अगर हम सर्कमसेशन करते हैं तो। और जो सर्वाइकल कैंसर है वीमेंस में होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। द नेक्स्ट, मदर हु फॉलो ट्रेडिशनल कल्चर पैटर्न ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर्स हैं ट्रेडिशन को फॉलो करती है ब्रेस्ट फीडिंग कल्चर को और उसके पैटर्न को, दे प्रोवाइड देयर इन्फेंट विथ एडिक्वेट न्यूट्रिशन। अगर मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है तो वो प्रोवाइड बेबी को एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा लीस्ट प्रायर टू वियरिंग। 89.6% रूरल मदर, जो 89.6% रूरल मदर्स हैं वो फेवरेबल एटीट्यूड रखती है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ठीक है। द नेक्स्ट हेडिंग इज कल्चर प्रैक्टिसेस एडवर्सली इफेक्टेड फैमिली वेलफेयर प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया, जो कल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरीके से अफेक्ट कर रही हैं हमारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को। फर्स्ट है अर्ली मैरिज ऑफ द गर्ल, एक्सटेंड द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ द गर्ल चाइल्ड अफेक्टिंग हर फिजिकल एंड मेंटल मेच्योरिटी एंड हेल्थ। जब अगर किसी फीमेल की जल्दी से मैरिज कर देते हैं तो वो उसकी रिप्रोडक्टिव पीरियड को इफेक्ट करेगा और चाइल्ड की हेल्थ को इफेक्ट करेगा, फिजिकली और मेंटलिटी पर भी उसकी इफेक्ट पड़ेगा। देन नेक्स्ट, प्रीफ्रेंस फॉर मेल चाइल्ड प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन फॉर स्पेसिंग, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, मेल चाइल्ड को, ताकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्शन है और स्पेसिंग है वो बच्चों के अंदर नहीं हो करनी पड़ सके, विच इज़ नीडेड टू रीगेनिंग द हेल्थ ऑफ द मदर। मतलब ये क्यों जरूरी है, ताकि जो मदर है वो रीगेन कर सके अपनी हेल्थ को, एंड प्रोवाइड हर विथ फ्री टाइम फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, मतलब अगर फर्स्ट मेल चाइल्ड होता है तो वो उसकी अच्छे से केयर कर सकती है उसे नेक्स्ट चाइल्ड की, मतलब फर्स्ट अगर मेल चाइल्ड हुआ है तो उसको नेक्स्ट चाइल्ड के लिए इतनी हरी नहीं करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट, लो स्टेटस ऑफ वुमन डिप्रेसिव हर बेसिक न्यूट्रिशनल फूड शेल्टर क्लोथिंग एजुकेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच सिलेक्शन ऑफ मेट एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब जो लो स्टेटस के अंदर जो भी वुमेंस है वो उनका जो भी न्यूट्रिशन लेवल है फूड एंड उसको डिप्रेस करता है, मतलब कम करता है न्यूट्रिशन फूड को, शेल्टर को, क्लोथिंग को, एजुकेशन को। अगर लो स्टेटस की फीमेल्स होंगी तो उनको शेल्टर, क्लोथिंग, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सब से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देन सिलेक्शन ऑफ मेट, वो अपने मेट का भी सिलेक्शन नहीं कर सकती, एंड डिसीजन मेकिंग, वो किसी तरीके का डिसीजन नहीं ले सकती। देन नेक्स्ट, टैबूज इन डिस्कसिंग सेक्सुअल प्रॉब्लम, जो टैबूज है वो डिस्कस करते हैं सेक्सुअल प्रॉब्लम्स ओपनली रिजल्ट इन इंक्रीजेस इन एसटीडी एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। जो टैबूज होते हैं, मतलब जो मान्यताएं हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम किस तरीके से होती है, मतलब जो भी सेक्सुअल प्रॉब्लम रिलेटेड जो भी मान्यताएं हैं उसको ओपनली कोई भी डिस्कस नहीं करता, तो उसके कारण क्या होता है, इंक्रीज एसटीडी और रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, फर्दर एग्रीवेटिंग फैमिली वेलफेयर, और फैमिली वेलफेयर के अंदर को वेलफेयर को भी इफेक्ट करते हैं। देन अदर कल्चर प्रैक्टिसेस विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, और कौन कौन सी कल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो एडवर्स इफेक्ट डाल रही है हेल्थ पर। फर्स्ट है च्यूइंग तंबाकू, जो पर्सन च्यूइंग तंबाकू को सेवन करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं तंबाकू को, उसमें फर्स्ट है पान प्रकार
Prague is the alternative for road tobacco, but both have an adverse effect on health, causing cancer. अगर आप tobacco को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपको क्या कॉज कर सकता है, कैंसर. द नेक्स्ट, कल्चर कॉजेज कॉन्सिक्वेंसिस मेरिज प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन विथ इनहेरिटेड डिजीज. जो कॉन्सिक्वेंसिस मेरिज हैं वो क्या प्रोड्यूस करेगी, इनहेरिटेड डिजीज इन चिल्ड्रंस. द नेक्स्ट, ब्राह्मण स्टेक वेजिटेरियन फूड लीडिंग टू वाइटामिन 12 डेफिशिएंसी. जो ब्राह्मण से सिर्फ वेजिटेरियन फूड्स को ही कंज्यूम करेंगे, जिस अगर सिर्फ वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करेंगे, इसके अलावा वो नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम नहीं करेंगे, जिसके कारण क्या होता है कि वाइटामिन 12 की डेफिशिएंसी उनमें होने के चांसेस होते हैं. देन नेक्स्ट, सम रिलीजन एंड कास्ट ग्रुप टेक एक्स्ट्रा नॉन वेजिटेरियन फूड लीडिंग टू डायबिटीज. कुछ रिलीजियंस और कास्ट के अंदर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम करते हैं, जो क्या कॉज करता है, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज. देन नेक्स्ट, वुमन वेक अप अर्लियर इन द मॉर्निंग एंड आर एक्सपोज टू चिल वेदर. मतलब जो वुमन्स हैं वो जल्दी उठेंगी और मॉर्निंग में जल्दी बाथिंग करेंगी और रेडी होगी, तो इससे क्या होता है, वो ठंडे वेदर के अंदर अगर ये वर्क करती हैं तो उनको दे हैव मोर चांसेस टू सफर फ्रॉम अस्थमा एंड निमोनिया. मतलब उनको अस्थमा और निमोनिया होने के मोर चांसेस हैं. द नेक्स्ट, पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश कंज्यूम मोर स्पेसिफिक फूड कॉजिंग गैस्ट्रिक इन देम. मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर जो पर्सन्स हैं वो स्पाइसी फूड को कंज्यूम करते हैं, जो क्या कॉज कर रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स. द नेक्स्ट, सम प्रेग्नेंट वुमेन ईट मड एज चौक लाइम पाउडर एज दे बिलीव दैट दिस प्रैक्टिस हेल्प नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द फिटस. कुछ प्रेग्नेंट वुमेन्स मड चौक एश लाइम पाउडर का को कंज्यूम करती हैं, तो उनका ये मानना है कि अगर वो चौक मड खाती हैं या उसको कंज्यूम करती हैं, इस प्रैक्टिस से क्या होता है, जो बेबी है वूम के अंदर जो फीटस है वो नॉर्मली डेवलप हो रहा है, बट इट इज़ रॉन्ग. द नेक्स्ट, कल्चर बिलीफ्स रिलेटेड टू हेल्थ. फर्स्ट है, ईटिंग पपाया ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट ट्राइमेस्टर विल इन एडवांस अबॉर्शन एंड प्रीमेच्योर डिलीवरी. अगर विमन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर पपाया का कंजप्शन करती है तो मोर चांसेस होते हैं कि जो फीटस है वो अबॉर्ट हो सकता है या प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. देन नेक्स्ट है, प्लेसिंग जैस्मिन ओवर द ब्रेस्ट ऑफ पोस्टनेटल वुमेन विल सप्रेस द सिक्रीशन ऑफ मिल्क. जो जैस्मिन है वो ब्रेस्ट के चारों तरफ लगाने से क्या होगा, जो वुमेन है पोस्टनेटल उसके अंदर मिल्क का सिक्रीशन और कंसेप्शन ऑफ गार्लिक्स विल प्रोड्यूस मोर मिल्क इन लैक्टेटिंग मदर. अगर मदर आफ्टर डिलीवरी पोस्टनेटल टाइम के बाद अगर जैस्मिन फ्लावर्स को अगर वो ब्रेस्ट के लगाती है तो उससे क्या होगा, मिल्क को सिक्रीशन होगा. और नेक्स्ट है, अगर वो बहुत गार्लिक का कंजप्शन करती है तो मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इन लैक्टेटिंग मदर के अंदर. देन पर्दा सिस्टम बाय मुस्लिम वुमेन्स कोज वाइटामिन डी डेफिशिएंसी. जो मुस्लिम्स के अंदर पर्दा सिस्टम है वो क्या कोज करता है, वाइटामिन डी डेफिशिएंसी. द नेक्स्ट, गिविंग आयरन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कन्वल्शन पीरियड विल रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ फिट्स. जब कोई पर्सन को कन्वल्शन आ रहे तो उसको आयरन ऑब्जेक्ट देने से क्या होता है, जो फिट्स है उनकी इंटेंसिटी का रिजल्ट रिड्यूस हो जाता है. द नेक्स्ट, मेल चाइल्ड इज परफॉर्मिंग बाय हिंदू पेरेंट्स फॉर परफॉर्मिंग देयर लास्ट रिच. मतलब जो मेल चाइल्ड है वही अपने पेरेंट्स के हिंदू फैमिलीज के अंदर अपने पेरेंट्स की लास्ट रिट्स को परफॉर्म करेगा. मतलब अंतिम संस्कार की जो भी क्रियाएं होती हैं वो सिर्फ मेल चिल्ड्रन ही परफॉर्म करेगा. द नेक्स्ट, पीरियोडिक फास्टिंग विल क्लीन अप
द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जो जब पीरियोडिकली हम फास्ट करते हैं तो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नल ट्रैक्ट है वो क्लीन रहता है। वीकली फास्टिंग बाय हिंदूज में वीकली फास्ट किया जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान। इन मुस्लिम्स के अंदर रमजान टाइमिंग में वो फास्टिंग करते हैं एंड ड्यूरिंग लैंड सीजन के टाइम में क्रिश्चियन फास्टिंग करते हैं। देन ब्राह्मण्स एंड वैश्यास विल नॉट कंज्यूम गार्लिक ऑनियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। जो ब्राह्मण है वैश्यास है मतलब बनिया, वो लोग गार्लिक ऑनियन और नॉन वेजिटेरियन फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं। अवॉइडिंग कोल्ड फूड, मतलब कोल्ड फूड मतलब बटर मिल्क कर्ड क्यूकुम्बर एंड गुआवा ड्यूरिंग कोल्ड के टाइमिंग में कोल्ड फूड को अवॉइड करना है। ड्रम स्टिक्स विल नॉट बी कंज्यूम्ड बाय सम सिकेट्स, जो ड्रम स्टिक्स हैं वो नहीं लिया जाता कुछ लोगों के थ्रू। देन बीट रूट्स कंजप्शन इंक्रीज द ब्लड प्रोडक्शन, जो बीट रूट है मतलब चुकंदर है वो इंक्रीज करता है ब्लड प्रोडक्शन को। देन नेक्स्ट एल्कोहलिज्म एंड द ड्रग्स एडिक्शन आर इंडिकेशन ऑफ रिच क्लास एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज कल्चर। जो एल्कोहलिज्म है ड्रग एडिक्टेड पर्सन्स हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि वो रिच फैमिली से रिच क्लास से बिलोंग करते हैं। देन नेक्स्ट प्रेग्नेंट वीमन ईट मड एश चॉक पाउडर लाइम पाउडर एज इट इन्हेंस द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस। जो प्रेग्नेंट वूमन्स हैं वो चॉक खाती है या मड एश का कंजम्पशन करती हैं तो इसका ये है मतलब है कि इट इन्हेंस द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फीटस, मतलब जो फीटस का डेवलपमेंट है वो नॉर्मली हो रहा है। जेंट्स डू नॉट ईट कर्ड, जो जेंट्स होते हैं वो दही नहीं खाते। मुस्लिम एंड जेस डू नॉट ईट पोक, जो मुस्लिम होते हैं वो पोक्स का कंजप्शन नहीं करते। हिंदू डू नॉट ईट बीफ, जो हिंदू होते हैं वो बीफ को ईट नहीं करते। द नेक्स्ट इन्फ्लुएंसिंग ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड डिजीज। फर्स्ट द वेल बींग ऑफ मेम्बर ऑफ एनी सोसाइटी इज ऑल्सो कल्चरली डिटरमाइंड, जो वेल बींग्स हैं वो मेम्बर्स हैं सोसाइटी के, ठीक है। देन दोज मेम्बर्स हु आर रेगलीगेटेड टू द लोअर रेंज जो लोअर रेंज के पर्सन्स होते हैं वो हमेशा नेग्लेक्ट किए जाते हैं। ऑफन लीव अंडर टोटल डिप्रेशन एंड देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स आर नॉट गिवन एनी अटेंशन, जो लोअर रेंज के पर्सन्स हैं उनको हमेशा अवॉइड किया जाता है, उन्हें प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया जाता। द बिलीफ इन सुपरनैचुरल पावर एंड इविल स्पिरिट्स वर्क ऑन कल्चरल इम्पेंडिमेंटा इन मोटिवेटिंग पीपल टू अडॉप्ट हेल्थ प्रैक्टिस एंड लाइफ स्टाइल। जो सुपरनैचुरल बिलीव्स है वो और इविल स्पिरिट्स हैं वो वर्क करती है टू कल्चरल इम्पेडिमेंटा एंड मोटिवेटिंग द पीपल टू अडॉप्ट हेल्दी प्रैक्टिसेस एंड लाइफ स्टाइल। द नेक्स्ट कल्चरल प्रैक्टिस रिलेटिंग टू मैच्योरिटी एंड चाइल्ड केयर रिक्वायरमेंट ऑफ क्लीनलीनेस एंड न्यूट्रिशन, कंसिक्वेंटली इन्फेंट्स मोर्टिलिटी राइज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन डायरिया एक्सेट्रा मदर ऑल्सो सफर। जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो रिलेटेड टू मेच्योरिटी इन चाइल्ड केयर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ क्लीनलीनेस एंड न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन की कितनी ज़रूरत है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए कल्चरल प्रैक्टिसेस बताती हैं। कॉन्सिक्वेंटली इन्फेंट मोर्टिलिटी रेजिस, अगर हम ये सब उसके न्यूट्रिशन पे उसके हेल्थ पर अगर हम बेबी के इन्फेंट पे ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, मोर्टिलिटी बढ़ेगी, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बढ़ेगी और बेबी को माल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ सकता है, बेबी को डायरिया हो सकता है और मदर भी सफ़र करेगी। द नेक्स्ट रैपिड सोशल चेंजेस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ माल एडजस्टमेंट कॉजिंग मेंटल स्ट्रेस एंड कार्डियक अलाइनमेंट। अगर कुछ सोशल चेंजेस होते हैं वो क्या, अगर सडनली कोई सोशल चेंज हुआ है
तो पर्सन को माल एडजस्टमेंट के कारण क्या कॉज हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस कॉज हो सकते हैं, कार्डियक अलाइनमेंट्स हो सकते हैं, मतलब हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। द नेक्स्ट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू हैवी इंडस्ट्रियल हैज़ लीड टू एक्यूट डिग्रेडेशन ऑफ कंडीशन ऑफ डिसेंट लिविंग, मतलब एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है किसके कारण, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, और जो लीड कर रहा है एक्यूट डिग्रेडेशन ऑफ कंडीशन ऑफ डिसेंट लाइफ, मतलब जो लाइफ स्पेन टाइमिंग है उसको शॉर्ट करता जा रहा है। रिसेंट WHO रिपोर्ट हैज पॉइंटेड आउट दैट ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब एनवायरमेंटल को हार्म करने के कारण से जो 20 साल के अंदर है 30 नई डिजीजेस को हमें सामना करना पड़ रहा है। द नेक्स्ट, कल्चरल स्टिग्मा टूवर्ड्स सर्टेन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइक जो कल्चरल स्टिग्मा है टूवर्ड्स द सर्टेन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब जो मान्यताएं हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज के कारण, लाइक दैट एड्स STD लेप्रेसी एंड ट्यूबरक्लोसिस प्रीपिचुअल सच डिसऑर्डर, जो एक डिजीज है सच डिसऑर्डर है उसको, उसके लिए क्या लोगों की मान्यताएं बन गई हैं कि अगर इसे पता चलेगा तो मुझे आइसोलेट कर देंगे, इसके कारण वो पर्संस ना तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाते हैं और ना किसी को बताते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि उन्हें मेंटल इलनेस का सामना करना पड़ता है। दिस ट्रू फॉर ट्रू ऑफ मेंटल इलनेस एज वेल द फियर ऑफ सोशल रिजेक्शन, मतलब जो सोसाइटी उन्हें रिजेक्ट करेंगी अगर उनको पता चलेगा कि उसे एड्स है, STD है या लेप्रेसी या ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो, और बट ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें प्रॉपरली ट्रीट करवाना चाहिए, उन्हें प्रिवेंट करना चाहिए। वंस पीपल प्रिवेंट सच पेशेंट फ्रॉम गोइंग टू प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड केयर, उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देकर उन्हें ट्रीटमेंट के लिए इनक्रेज करके उन्हें प्रॉपरली ट्रीट और केयर प्रोवाइड करानी चाहिए। देन नेक्स्ट लास्ट, द कल्चर एनवायरनमेंट इज अ फैक्टर फॉर हेल्थ डिसऑर्डर, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है कल्चर के वो हेल्थ डिसऑर्डर को इफेक्ट करते हैं। दिस कैन बी प्रिवेंटेड ओनली थ्रू एजुकेट, किस तरीके से हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रोक सकते हैं, हेल्थ डिसऑर्डर्स को स्टॉप कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ओनली थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड कर कम्युनिटी अवेयरनेस, एडुकेट इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, मतलब कम्युनिटी को अवेयर करके एडुकेट इंस्टीट्यूशनल अरेंज करके, इन्वॉल्विंग पीपल्स पार्टिसिपेशन, मतलब पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, उनको हम एजुकेट करेंगे, उनको कम्युनिटी अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, और ताकि जो एनवायरमेंट फैक्टर्स हैं हेल्थ डिसऑर्डर के लिए वो स्टॉप हो सके या कम हो सके। दिस टॉपिक इज नाउ फिनिश्ड, दिस यूनिट इज कम्प्लीटेड नाउ, थैंक यू।